चीनी सैनिक सीता को वाद विवाद र हातपाई में लद्दाख स्थित भारत चीन सीमांत में तैनात भारतीय सेना का जवान शहीद होने क्रम में डुवर्स को अलीपुरद्वार जिला एकजना वीर सेना जवान ने शहादत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। शहादत प्राप्त हुने उक्त वीर जवान अलीपुरद्वार जिला को समुखतला थाना अंतर्गत पर्ने बिंदीपाड़ा निवासी विपुल रॉय भनी प्रशासनिक सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। देखिए हमारे जिले का इस भाटीबाड़ी और ग्राम का एक जवान बिंदीपाड़ा तटपाड़ा टू अंचल का एक जवान विपुल राय भाई विपुल राय आज हमारे बीच नहीं है। चीन के धोखे से चीन के चीनी सैनिकों ने उसकी हत्या की है, तो इसको लेकर के पूरा इलाके में आक्रोश व्याप्त है और लोग बोल भी रहे हैं इसका बदला हम लोग को लेना चाहिए और हम भी कहते हैं कि इसका बदला अवश्य सरकार को लेना चाहिए। बाकी हम अपने तरफ से भी चीन के विरुद्ध संघर्ष का शुरुआत कर सकते हैं, वह चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके। अभी सभी हमारे गांव के लोग, सभी हमारे भाई लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करें और यह हम सब नागरिक इसको कर सकते हैं। मेरा सभी से आह्वान है कि किस तरह से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके चीन को कमजोर किया जा सकता है और इस परिवार के साथ में हम सब इस गांव के लोग, हमारे ज़िले के लोग सब समय इनके आज भी पास में है, भविष्य में भी इनके साथ रहेंगे, इनके सुख दुख में साथ रहेंगे, यही भाव को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए थे। और शहीद हुए हैं, गम तो सबका है लेकिन सबको गर्व का भी अनुभूति है कि हमारा गांव का एक बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है। यही भारतीयों का जज्बा है और इसी जज्बा के कारण भारत हमेशा विजयी रहता है। इनका हर सुख दुख में हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर सुख दुख में साथ रहेंगे। हमने मंडल प्रेसिडेंट को कहा है कि इनके माँ पिताजी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आज के बाद में हम सब उनके पुत्र हैं और हम सब किसी भी उनको तकलीफ में पड़ने नहीं देंगे। गंगा प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अलीपुरद्वार जिला। सर हालात तो बहुत गंभीर है, बहुत दुख भरी घटना है। ऐसे मतलब शहीद हो जाना अपना कोई फ्रेंड और अपना बैचमेट, तो उसमें बहुत दर्द होता है परिवार को भी, साथ साथ ये भी है कि हाँ एक जवान शहीद हुआ है देश के लिए, वो अपना जीवन दिया है, वो भी गर्व की बात है। अभी पीछे उसका फैमिली परिवार जो छोड़ गया है, उनके देख रेख के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। मुझे तो आज सुबह ही पता चला, जो कैजुअल्टी कल सुनने में आया था, तीन एक ऑफिसर और दो अदर्स रैंक कैजुअल्टी हुआ था, बाकी जो भी जवान और शामिल थे उनमें उनका रिपोर्ट शाम को मिला, उनमें से ये विपुल रॉय भी शामिल था। और अभी लास्ट चार पाँच महीना पहले भी मेरे साथ फ़ोन में बहुत सारी बातचीत हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्या बताएं। अभी वो 21 जनवरी 2003 में हम दोनों एक ही साथ ज्वाइन किया था और हम सुबह में ट्रेनिंग ले गए थे, तो हम अलग अलग जगह डिस्ट्यूट हो गए थे और फिलहाल वो हवलदार बन गया था, शायद कंफर्म नहीं है, प्रमोशन आया हुआ था। कहाँ पे पोस्टिंग था अभी फिलहाल? ले में था, पोस्टिंग को ले में क्लियर नहीं है, फिर भी ले में ही था शायद। अभी फैमिली और सब कैसे हैं? अभी फैमिली में तो दर्द हो ही रहा है सर, आप लोगों को तो पता ही है क्या होने वाला है, सब गम में डूबा हुआ है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा एक सर्विस मैन नायक प्रशांत सरकार। कल के इर्गी जाने से के बोल लो जे विपुल तुम्हारे पास तो है ना, क्या जे पृथ्वी ते के सारे गलो के बोल छे जाने ना, ओजन ते कदे के बोल छे अपन साहिब बोल छे ना के छे ओजन कदे लोकी बोल छे और के फोनটা কি আপনাকেই করছিল? না না ওই যে মোর বাবাকে করছে, বাবা এসে ফোন দিছে ওকে, আমার যা ওকে, তখন আর কি সবাই জানি আমরা। এটা কটার সময় হবে? রাত রাত মানে 10:11টার সময় হবে। তখন কি মনে হয়েছিল, কতটা কষ্টজনক ঘটনা? অনেক কষ্ট হয়েছে, ওর মতন কেউ ছিল না, বাবা সব সময় আসতো, মজা করতো আমাদের সাথে, সব সময় করতো, কেউর সাথে অবনত না, সবার সাথে মিলেমিশে থাকতো, একদম ঠান্ডা ছিল। মানে প্রায় আপনাদের কোলে পিঠেই বড় হয়েছে। এখন ওর বাড়িতে কে থাকলো তাহলে? ওই এখন তো না থাকায় বাড়িতে এখন ওর বাবা মা আর এক ছেলে আছে, ছোট ছেলে, ও ভুটানে থাকে। বিপুলের তো একটা বাচ্চাও আছে। হ্যাঁ মেয়ে না ছেলে? মেয়ে।
ওরা কোথায় থাকে? দিল্লি? ও দিল্লিতে থাকে। কোয়াটারে। এটা বিয়ে কত বছর আগে হয়েছিল? ওই যে বললো এখন আট বছর মনে এরকম হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম জগৎ রায়। হ্যাঁ।